हेलो, आई एम रविशा। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज़ किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं कोरियन स्टाइल मैगी। ये पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, सो हमने सोचा कि हम भी इसको ट्राई करते हैं घर पे। तो सबसे पहले आज हमने यहाँ पे ले ली है मैगी, उसको कर लेंगे हम लोग बॉयल। तो यहाँ पे हम लोग मैगी बॉयल कर लेते हैं, और ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल, और वीडियो शेयर भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे अभी मैगी बॉयल हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब हम दूसरी साइड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, और मैगी मसाला है, और हरी मिर्ची है, साथ में यहाँ पे हमने लिए हैं तिल, और इसको हमने फाइनली चॉप कर लेना लहसुन को अच्छे से। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट घर पे अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हो वैसे। और यहाँ पे हमने ऑयल थोड़ा सा लिया है यहाँ पे कटोरी में, और उसको हम गरम कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाला है उसमें हम डाल के इसको मिक्स कर सकें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ली है, और ये यहाँ पे मेरे पास मैगी मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये मैगी मसाला, साथ में मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक और तिल ले लिए हैं यहाँ पे, और फाइनली चॉप्ड हरी मिर्ची, बाकी सब ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डालूँगी, क्योंकि सोया सॉस कोरियन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर लेते हैं, और ये थोड़ी सी मेरे पास रेड चिली सॉस भी थी तो मैंने साथ ही साथ इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लिया इसके बीच में, मुझे थोड़ी सी मैगी स्पाइसी चाहिए थी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर कमेंट करना, और ये ख़ुद भी ट्राई करना आप लोग। और यहाँ पे अभी हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें गर्मा गर्म, और ये जो सारे मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपस में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मैगी डालेंगे। सो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारी है हमारी मैगी की, तो अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए थे मैगी के, सो आपकी मर्ज़ी, आप पहले 1 पैकेट लेके ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप फिर से बनाइए और खाइए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। सो अब हम यहाँ पे मैगी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में। एंड यहाँ पे मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये, एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप ये बनाते हो, तो फिर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको कैसी लगी है। सो नेक्स्ट टाइम और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच।